आज के इस एपिसोड के लिए मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो एपिसोड है ये आप एंड तक ना देखो तो ठीक है, लेकिन इसको मिस करना काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेटफुल डिसीजन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है और स्पेशली इन इंडिया जहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए वहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत लैंग्वेज की। इंडिया में इतना ज़्यादा इस लैंग्वेज को जो है वो महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप बाहर देखोगे तो इवन जर्मन में भी इवन 17 यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल का संस्कृत लैंग्वेज में देते हैं, मतलब कि संस्कृत लैंग्वेज वहाँ पे अवेलेबल है अगर आपको सीखना है तो अगर वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, तो हमारे देश में इस लैंग्वेज का इतना महत्व क्यों नहीं है? इसी चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करके आपको एक ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन मिल पाए, इस पर्पज से हम ये जो है ये एपिसोड बना रहे हैं। सो दिस इज़ यश पटेल, आप देख रहे हैं नोवेल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 20 और एपिसोड का टाइटल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको भी बताया संस्कृत लैंग्वेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इंडिया एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जो कि काफ़ी ज़्यादा कल्चर के साथ आता है, उसका एक अपना ही ट्रेडिशन है और काफ़ी सारे फेस्टिवल्स जो है हम यहाँ पे मनाते हैं। इन सारे फेस्टिवल्स में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे कल्चरल चीज़ें हम करते आ रहे हैं, तो ये जो कल्चर है वो एक्चुअली हमें पता किस तरह से चला और किस तरह से इस कल्चर को एक्सप्लेन किया गया उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पुराने टाइम में क्या रहता था कि जो भी गुरु होता है वो अपने शिष्य को श्लोक जो है वो बोल के चीज़ें समझाता था और वो इसी तरह से माउथ टू माउथ एजुकेशन जो है वो होता था। तो जो भी एजुकेशन सिस्टम था वो इसी प्रकार से चलता था कि जो भी इंसान या आपके जो गुरु हैं वो आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो नॉलेज आपके पास सिर्फ वोकल फॉर्म में ही है, आपके पास सिर्फ वो काइंड ऑफ लाइक आप उसे सिर्फ याद रख सकते हैं, आप उसे लिख नहीं सकते। लेकिन एक टाइम के बाद जब लिखना और ये सारी चीज़ें इन्वेंट हुई तो चीज़ें लिखनी स्टार्ट हुई और वहाँ से संस्कृत को एक अच्छा मोड़ मिला और वहाँ से काफ़ी सारे बाद में ग्रंथ वगैरह लिखे गए, फॉर एग्जांपल महाभारत और रामायण और ऐसे ही काफ़ी सारे ग्रंथ। तो ये जो ग्रंथ है, इवन ये ग्रंथ की क्या बात करूँ मैं आपको, वेद की बात करूँ, वेद भी जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए। तो ये इतने सारे ग्रंथ और वेद इतनी लैंग्वेज में, ये पर्टिकुलर एक संस्कृत लैंग्वेज में किस तरह से लिखे गए हैं इसके ऊपर तो हम आज बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि वेद और जितने भी एंशियंट इंडियन चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा साइंस से इंस्पायर्ड है और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिकली चीज़ें जो है वो सेटअप की गई दिखेगी। तो इस लैंग्वेज की क्या खासियत है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो देखा जाए तो इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो अवेलेबल है और अगर हम इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अलावा जितनी भी और लैंग्वेज उनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो 700 जितनी लैंग्वेजेस अवेलेबल है और ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेज एक पर्टिकुलर नेशन में आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। वैसे अगर हम लीगली देखें तो लीगली इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों को यह चीज़ भी नहीं पता रहती कि इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ज़्यादातर लोगों को यही पता रहता है कि हिंदी या फिर इंग्लिश जो है वो हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज है। तो ऐसा नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी नेशनल लैंग्वेज का जिक्र जो है आपको नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं संस्कृत वर्ड के बारे में थोड़ा सा। तो संस्कृत वर्ड संस्कार और कृत वर्ड से बनता है, तो इसमें संस्कार के बारे में तो आपको पता है, लेकिन जो कृत है जिसका मतलब होता है इनकल्केटिंग इन इंग्लिश, और अगर मैं आपको इसको हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ तो किसी भी चीज़ को सिखाना, जो भी आइडिया है, हैबिट हो गई या फिर एटीट्यूड हो गया, तो ये सारी चीज़ों को सिखाने को कृत बोला जाता है।
तो ये संस्कार और कृत, ये दोनों वर्ड के मिक्सचर से संस्कृत वर्ड जो है वो बनता है। और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज की ब्यूटी, इस लैंग्वेज का साइंस आपको आज इस एपिसोड में पता चलेगा। संस्कृत के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको आप ये लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में, और इवन अगर आप इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझते भी हो एटलीस्ट, तो भी आप जो है काइंड ऑफ लाइक एक हायर वैल्यूज़ को स्टोर करने की कैपेबिलिटी जो है वो अनलॉक कर लेते हो, और आप कुछ ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझा पाते हो इन टेक्स्ट फॉर्म ऑल्सो, इन वोकल फॉर्म ऑल्सो। तो आप किसी को संस्कृत में ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर समझेंगे तो सामने वाले इंसान को ज़्यादा वाइडली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आप उसे लिखते भी हो तो भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो अभी के लिए आप सोच रहे होंगे कि जब हमें स्कूल में जनरली संस्कृत लैंग्वेज सिखाई जाती है तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन उसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है, वो रीज़न भी आज आपको पता चलेगा। तो उसके लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थोड़ी सी संस्कृत के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री को समझने की ट्राई करते हैं। तो वैसे संस्कृत का वर्बल फॉर्म जो है, वर्बल बेसिकली मतलब कि जो बातचीत करने का फॉर्म है, वो तो काफ़ी सालों पहले जो है वो ढूंढ लिया गया था। तो ऋग्वेद से पहले भी ये लैंग्वेज जो है वो चलती आ रही है वोकल फॉर्म में, लेकिन ऋग्वेद में सबसे पहले जो है वो लैंग्वेज लिखी गई थी। तो ऋग्वेद जो है वो इस लैंग्वेज में लिखा गया था, और वहाँ से इसका रिटर्न फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल हुआ था। और संस्कृत की सबसे खास बात यह है कि संस्कृत जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरानी, सबसे ज़्यादा शुद्ध और सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक लैंग्वेज जो है वो मानी जाती है, क्योंकि इसको प्योरेस्ट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस लैंग्वेज के साथ किसी भी प्रकार से छेड़खानी नहीं हुई है। जैसे कि अगर आप देखोगे इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, फिर आपका अमेरिकन इंग्लिश हो गया, तो इतने सारे पार्ट्स जो है वो आपको मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, संस्कृत एक काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है और एक ही फॉर्मेट जो है वो ये फॉलो करती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बन जाती है। ऑल्सो अगर हम साइंटिस्ट की बात माने तो इस लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल भी बताया जा रहा है। संस्कृत में पानी के 70 जितने सिनोनिम्स, मतलब कि समानार्थी शब्द जो है वो अवेलेबल है, विच इज़ ग्रेट। अगर हम एलिफेंट की बात करें, हाथी जिसको हम बोलते हैं, अगर उसकी बात करें तो उसके भी 100 नेम्स अवेलेबल हैं। सो यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा वाइड लैंग्वेज है। आपको अगर एक वर्ड नहीं पता तो उसके सामने आपके पास काफ़ी सारे वर्ड अवेलेबल हैं, और इन्हीं सारी कैपेबिलिटीज़ की वजह से ये लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इवन सबसे स्पेशल चीज़, हमारे जो नेशनल चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा है, वो भी एक्चुअली एक संस्कृत सूत्र का ही पार्ट है। वो अथर्ववेद में से लिया गया है, मंडका उपनिषद से उसको उठाया है, तो वहाँ से ये पर्टिकुलर वर्ड भी आया है। दुनिया की मोस्ट ऑफ जितनी भी लैंग्वेज है, आप किसी भी लैंग्वेज को ले लो, इवन आप उर्दू ले लो, हिंदी ले लो, गुजराती ले लो, पंजाबी ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, इवन वर्ल्ड वाइड अगर आप अरेबिक देखोगे या फिर रोमन लैंग्वेज देखोगे, तो जितनी भी लैंग्वेज है वो सारी की सारी इन्फ्लुएंस है संस्कृत से, और इस चीज़ को एक्सपर्ट्स ने कन्फर्म किया है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही नहीं बोल रहे। बाय द वे, नोवेल सीरीज़ के या फिर स्ट्रेटिफाई पे जितने भी चीज़ें आप देखते हो, वो सारी चीज़ें क्रॉस चेक की जाती है, और वो कहीं से भी फेक नहीं होती, इसका हम मेक श्योर कर दें। सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रिसर्च किया जाता है, और उसको वेरीफाई करते हुए हम सारे फैक्ट्स आपको बताते हैं। तो हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं, इसकी एक चीज़ की हम यहाँ पे गारंटी दे सकते हैं कि ये जो भी हम नॉलेज आपको दे रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो 100% फैक्ट है, और वो कहीं से भी लाइक फेक नहीं है। अगर हमें लगता है कि ये मिथ है तो हम वहाँ पे बता देते हैं आपको कि ये मिथ है, ठीक है। एनीवेज, बात करते हैं कुछ और बातें संस्कृत की। तो संस्कृत को इवन मदर ऑफ रोमनी लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो रोमन में इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज से पर्टिकुलरली काफ़ी सारी लैंग्वेज जो है वो बनाई गई है, और इसलिए शायद से संस्कृत को मदर ऑफ दी रोमनी लैंग्वेज बोला जाता है। ऑल्सो अगर आप देखोगे
द्रविड़स मतलब कि साउथ इंडियन पीपल्स जो है इंडिया में, वहाँ में जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ होती है, मेजरली 4 लैंग्वेजेस बताई जाती है, लेकिन और भी जितनी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं वो सारी लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से इंस्पायर्ड बताई जाती है। संस्कृत में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं उनमें से 95% तो ऐसी चीज़ें जो कि कहीं से भी रिलीजियस चीज़ों से अटैच नहीं है, मतलब कि वो हिंदुइज्म को, सनातन धर्म को या फिर किसी भी और रिलीजन को प्रमोट नहीं करते। वो जनरली होते हैं फिलोसॉफी के ऊपर, लॉज के ऊपर, साइंस के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, फोनेटिक्स के ऊपर और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। तो ये भी कहीं से एक मिथ है कि संस्कृत एक एक्चुअली रिलीजियस लैंग्वेज है, तो इसको भी हम आई थिंक इसके लिए भी काइंड ऑफ लाइक मैं डिसअग्री करता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है बाय द वे, लेकिन जो भी प्रूफ है वो तो यही बताते हैं कि 95% ऑफ संस्कृत लिटरेचर जो है वो रिलीजियस नहीं है, वो कहीं ना कहीं साइंस के बेस पे है, क्योंकि लैंग्वेज का मेजर वर्क जो होता है वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करना होता है और ज़्यादातर कम्युनिकेशन होता है। तो जितने भी लिटरेचर ज़्यादातर लिखे गए संस्कृत में वो जनरली साइंटिफिक ज़्यादा होते थे, फिलोसॉफी या फिर लॉ हो गया, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखी गई थी। लैंग्वेज की एक ब्यूटी होती है जो कि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने के बाद पता चलती है। तो संस्कृत लैंग्वेज की भी जो ब्यूटी है वो साइंटिस्ट को आज पता चल रही है। अगर हम पर्टिकुलरली संस्कृत की बात करें तो स्टार्टिंग में जब वैदिक कल्चर था तब उसका काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ लाइक विरोध नहीं बोल सकते, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, क्योंकि वो टेक्स्ट लिखने को जो है वो इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। वो जनरली गुरु से सीधा बोल के और उसी को रिपीट करते हुए, उसी को याद करते हुए सीखने में ज़्यादा बिलीव रखते थे। लेकिन टाइम के साथ चीज़ें जो है वो चेंज होती है और ऐसे ही चीज़ें चेंज होती गई, और जब हमारा धर्म जो है वो संकट में आता है तब जाके चीज़ें चेंज होती है, और तब वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्स्ट फॉर्म में भी हमें लिखना पड़ेगा, तभी जाके जो फ्यूचर जनरेशन है उनको प्रॉपर नॉलेज जो है वो मिल पाएगा। तो ऐसे सोच के साथ इस लैंग्वेज को थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस मिलना स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से संस्कृत की काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पुराने लेयर्स मतलब कि सबसे पुराने जो टेक्स्ट है संस्कृत में लिखे गए वो काइंड ऑफ लाइक 1500 BC के आसपास है, जो कि मेजर या फिर कैलकुलेट किए गए हैं बाय मॉडर्न स्कॉलर्स। तो ओवरऑल अगर हम एक कैलकुलेशन लगाते हैं आज कि टोटल इंडिया में इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से कितनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो सिर्फ इंडिया की बात करें तो 7 मिलियन तो इंडिया में ही है, और 30 मिलियन जो है वो ओवरऑल संस्कृत की जो चीज़ें जो है वो लिखी गई है। तो जब आप इतनी सारी चीज़ों को मिक्स करोगे और कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि संस्कृत जो है वो लैटिन और ग्रीक दोनों लैंग्वेज को अगर आप मिक्स कर दोगे उनका जितना मैग्नीट्यूड है उससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स में लिखी गई है, काफ़ी सारे मैग्नीट्यूड में जो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लिखा गया है। तो जनरली संस्कृत लैंग्वेज में पोएट्री जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, उसके अलावा ड्रामा, नाटक जिनको हम बोलते हैं वो लिखे गए हैं, काफ़ी सारे हिस्ट्रीज और इवन एपिक्स, फॉर एग्जांपल महाभारत और रामायण, इवन नॉवेल्स और ऐसी सारी कुछ चीज़ें जो है वो लिखी गई है। तो ये तो जनरल बात हो गई, लेकिन उसके अलावा साइंटिफिक वर्क्स में आप देखोगे मैथमेटिक्स, इवन लॉजिक, बॉटनी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, तो ऐसी सारी चीज़ें भी लिखी गई। फॉर एग्जांपल चरक संहिता हो गया और आचार्य सुश्रुत ने जो भी ग्रंथ लिखा था वो हो गया। तो इतने सारी चीज़ों को जब आप देखोगे, इतनी सारी चीज़ें मिक्स आउट करोगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आपके सामने आता हुआ दिखेगा आपको। नालंदा विद्यापीठ की जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे मोस्ट ऑफ ये संस्कृत टेक्स्ट को रखा गया था, लेकिन चीज़ें जो वो चेंज हो गई जब मुग़ल आते हैं और टेररिज्म के नाम पे वो चीज़ों को जला देते हैं और हमारे नॉलेज को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है। इवन मुगल्स के बाद जो
ब्रिटिशर्स भी आए थे, उन्होंने भी ये पर्टिकुलर चीज़ को किया था, तो उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है हमारी कल्चरल बुक्स या फिर हमारी कल्चरल स्टोरेज को डैमेज करने में। तो अब बात करते हैं कि संस्कृत क्यों एक यूनिक लैंग्वेज है, इतनी सारी लैंग्वेज की चॉइस में संस्कृत को ही क्यों चुना गया एंशिएंट इंडिया में, और ऐसी ही लैंग्वेज क्यों बनाई गई। तो इतनी सारी लैंग्वेज में सबसे पहली जो संस्कृत के पास पावर है वो ये है कि वो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली समझा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझानी है किसी को, तो आप सेम चीज़ जो दूसरी लैंग्वेज में समझाओगे वही सेम चीज़ आप संस्कृत में मिनिमम वर्ड के साथ समझा सकते हो, सो योर एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। उसके अलावा फोनेटिकली और अगर आप वर्बली भी देखोगे तो संस्कृत जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लैंग्वेज मानी जाती है। तो संस्कृत में 49 टाइप्स ऑफ साउंड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं जिससे प्रोनाउंसिएशंस जो है वो हो सके। तो ये डिफरेंट वर्ड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है उनके जो साउंड्स है वो 49 टाइप्स के। और नासा की बात करें तो संस्कृत ही सिर्फ ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस से काफ़ी सारे मीनिंग बनाने की क्षमता नहीं रखती, और ये एक्चुअली बेनिफिशियल चीज़ है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि इंग्लिश में एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू विल गो देयर, और अगर आपने इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो लाइक यू विल गो देयर, तो एक क्वेश्चन और काइंड ऑफ लाइक एक सेंटेंस भी बन रहा है सेम चीज़ों को सिर्फ आगे पीछे करने से। लेकिन संस्कृत में ये चीज़ लागू नहीं होती, अगर आप उसमें वर्ड्स जो है वो चेंज कर दोगे तो भी चीज़ें जो है वो सेम आउटपुट दे रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल वा गमिष्यति और गमिष्यति वा, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, विल यू गो। तो ये पावर है संस्कृत लैंग्वेज की, और इसका उपयोग आपको पता है हम कहाँ कर सकते हैं, AI के अंदर, क्योंकि प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप AI को एक सेंटेंस बताओगे तो उसका आप आगे पीछे भी कर दोगे तो AI जो है वो अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि मीनिंग एक ही निकल रहा है। क्योंकि जब हम इंग्लिश या फिर किसी भी और लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो उसके काफ़ी सारे मीनिंग्स जो है वो निकलते हैं, और वो मीनिंग्स की वजह से लैंग्वेज जो है वो वल्नरेबल बनती है, और कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होने के चांसेस हैं। तो ये चांसेस को कम करने के लिए संस्कृत लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बेस्ट बताई जा रही है नासा की ओर से। इवन इंटरस्टेलर मूवी में भी संस्कृत लैंग्वेज को इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ किया था, और इवन अभी रिसेंटली नासा ने भी एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि संस्कृत जो है वो बेस्ट लैंग्वेज हो सकती है AI के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ऑल्सो रिसर्च ये भी बताती है कि संस्कृत को सीखने से हमारी ब्रेन के फंक्शनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, और स्टूडेंट की एकेडमिकली पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा एनहांस होता है संस्कृत की वजह से। तो अगर आपको भी ये सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है तो आप एक मैनर में नहीं सीख रहे हो, तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि संस्कृत को सीखने के लिए एक मैनर चाहिए, और वो मैनर जो है इसके ऊपर एक पूरा का पूरा लाइक 4000 फेस का एक पर्टिकुलर ग्रंथ लिखा गया है या फिर एक बुक लिखी गई है, और उसके अकॉर्डिंग आप जब चीज़ें सीखोगे तो आपको चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगेगी, और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी भी लगेगी। तो वो पर्टिकुलर बुक में क्या है और भी काफ़ी सारी जो भी चीज़ें हैं वो तो हम इसके पार्ट टू में बात करेंगे, इसका पार्ट टू हम काफ़ी कुछ एपिसोड लॉन्च करने के बाद बताएंगे, उसके बाद हम इसको लॉन्च करेंगे और उसमें काफ़ी ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन होंगी। अभी के लिए कुछ कुछ बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट्स है वो तो अभी आने बाकी है। सो सस्पेंस इज स्टिल देयर, सो बी विथ अस। सुधर्मा करके एक डेली न्यूज़पेपर है जो कि संस्कृत में कम्प्लीटली लिखा जाता है, और ये एकमात्र ऐसा न्यूज़पेपर है इन होल वर्ल्ड कि जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, और वो पब्लिश हो रहा है 1970 से मैसूर कर्नाटका में, और ये आज भी अवेलेबल है, और इवन ये चीज़ ऑनलाइन भी अब तो जो है वो ई फॉर्मेट में काफ़ी ज़्यादा
पब्लिश की जाती है, तो वो चीज़ भी अवेलेबल है। तीन ऐसे रिलीजियन हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। इन्होंने अपनी रिलीजियस बुक में संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने काइंड ऑफ अडॉप्ट किया संस्कृत को उनकी डेली या फिर जो भी स्कॉलरली लैंग्वेज है उसके लिए। कर्नाटक में एक विलेज है मत्तूर करके, वहाँ पे लोग जो है सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज ही बोलते हैं। स्टिल इन 2022 14 यूनिवर्सिटी एक्टिवली जर्मनी में संस्कृत को एज ए सब्जेक्ट ऑफर कर रही है, और भी काफ़ी सारी वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि संस्कृत को ऑफर करती है। और इस लैंग्वेज को क्यों लैंग्वेज ऑफ गॉड्स बोला जाता है उसके बारे में तो आपको पार्ट टू में पता चलेगा ऑफकोर्स, लेकिन अगर हिंदी में या फिर संस्कृत में बताऊँ मैं आपको, तो इसको देवभाषा बताया जा रहा है, देववाणी। तो ये जो है वो वर्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस लैंग्वेज के लिए। तो ये तो थी संस्कृत लैंग्वेज और उसकी काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ मैंने फैक्ट्स आपको बताए, और ये पार्ट वन में कवर अप हो गया इतना। पार्ट टू जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको कुछ ऐसी हिस्ट्री बताएंगे संस्कृत से जुड़ी हुई, और कुछ ऐसी रिसर्च को आपके सामने रखेंगे जिससे आपके होश जो है वो काफ़ी ज़्यादा उड़ने वाले हैं, और इसकी गारंटी मैं अभी से दे सकता हूँ। 21th एपिसोड जो होगा उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वहाँ से हम जो है वो नोवेल सीरीज़ का एक नया फेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे, काफ़ी सारे ऐसे ट्रस्टेबल सोर्सेज से हम जितनी भी रिसर्च करते हैं उससे जितने भी फैक्ट्स हमें मिलते हैं वो बताएंगे आपको, और काफ़ी सारा नॉलेज जो है वो आपको फ्री में कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करने की ट्राई करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।